वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मेट्रोलॉजी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेट्रोलॉजी क्या होती है। मेट्रोलॉजी में भी डिपेंड है द स्टडी ऑफ वेरियस सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर एंड देयर रिलेशनशिप एंड द मैथमेटिकल प्रिंसिपल इन्वॉल्व्ड इन देयर इंटरकनेक्शन। मेट्रोलॉजी में हम वेट और मेजर के बहुत सारे सिस्टम की स्टडी करते हैं, उसकी रिलेशनशिप की और उनके कन्वर्जन में जो मैथमेटिकल प्रिंसिपल होता है उसके बारे में बात करते हैं। वेट क्या है? मेजर है ग्रेविटेशनल फोर्स का जो बॉडी पे एक्ट करता है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। तो वेट क्या है आपका? वेट मेजर है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स का जो किसी बॉडी पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मास पे। और मेजर क्या है? मेजर आपका डिटरमिनेशन है वॉल्यूम या एक्सटेंट अमाउंट कितना है उस बॉडी का, उसे बोलते हैं मेजर। तो मेट्रोलॉजी बेसिकली क्या हुआ? मेट्रोलॉजी अलग अलग वेट और मेजर के सिस्टम की स्टडी है और उनके आपस में इंटर कन्वर्जन। अब बात करते हैं वेट की। वेट क्या है आपका? ग्रेविटेशनल फोर्स है जो किसी बॉडी पे एक्ट करता है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके? मास के। और मेजर क्या है? मेजर है डिटरमिनेशन ऑफ द वॉल्यूम और एक्सटेंट ऑफ ए बॉडी। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम। कितने टाइप ऑफ सिस्टम यूज होते हैं? वेट और मेजर के बेसिकली दो सिस्टम यूज होते हैं मेडिसिन और फार्मेसी में, एक एम्पेरियल सिस्टम और एक आपका मैट्रिक सिस्टम। दो सिस्टम यूज होते हैं, एम्पेरियल सिस्टम और आपका मैट्रिक सिस्टम। एम्पेरियल सिस्टम जो है आपका वेट और मेजर का है, बहुत पुराना सिस्टम है और लगभग ये रिप्लेस कर दिया गया है मैट्रिक सिस्टम में इंडिया में और अदर कंट्री। लेकिन कुछ फिजिशियन अभी भी ऐसे हैं जो मेडिसिन की क्वांटिटीज को एम्पेरियल सिस्टम में डिस्पेंस कर देते हैं या प्रेस्क्राइब कर देते हैं। तो ऐसे में आपका या फार्मासिस्ट का और डॉक्टर्स का ये नेसेसरी है कि वे दोनों सिस्टम के बारे में अवेयर हो। तो वेट और मेजर के आपके कितने सिस्टम है? दो सिस्टम है, एक है एम्पेरियल सिस्टम और एक है आपका मैट्रिक सिस्टम। एम्पेरियल सिस्टम आपका लगभग रिप्लेस हो गया है इंडिया में और अदर कंट्री में किसके द्वारा? मैट्रिक सिस्टम। लेकिन कुछ फिजिशियन अभी भी क्या करते हैं, आपकी मेडिसिन को दे देते हैं किस सिस्टम में? एम्पेरियल सिस्टम में। तो फार्मासिस्ट को अवेयर होना चाहिए एम्पेरियल और आपके मैट्रिक दोनों सिस्टम। अब बात करते हैं एम्पेरियल सिस्टम। एम्पेरियल सिस्टम इंक्लूड टू सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर। मींस एम्पेरियल सिस्टम में भी आपके दो सिस्टम होते हैं, एवरेज ड्यूपॉइस सिस्टम और एपोथिकेरी सिस्टम। एक है एवरेज ड्यूपॉइस सिस्टम और एक एपोथिकेरी सिस्टम। व्हाइल मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी इज सेम इन बोथ दिस सिस्टम। जो कैपेसिटी का मेजरमेंट है वो दोनों में सेम होता है, लेकिन जो वेट का मेजरमेंट है वो दोनों में अलग होता है। दो एम्पेरियल सिस्टम, दो तरह के सिस्टम हुए, एक हुई एवरेडी पॉइंट सिस्टम और एक आपका हो गया एपोथिकेरी सिस्टम। तो जो दोनों में आपका कैपेसिटी का मेजरमेंट है वो सेम है जबकि वेट का अलग है। अब बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ वेट इन द एम्पेरियल सिस्टम। तो इसमें पहले लेते हैं एवरेज पॉइस सिस्टम। इन दिस सिस्टम एवरेज पॉइस में पाउंड, इन दिस सिस्टम द पाउंड इज द
स्टैंडर्ड यूनिट फॉर वेइंग, मींस वेइंग के लिए यहाँ पे यूज होता है पाउंड, एंड ऑल मेजर ऑफ वेट आर डिराइव्ड फ्रॉम इट, मींस पाउंड यहाँ की बेसिक यूनिट है ऑलरेडी बॉयज में, और अलग यूनिट में अगर आपको निकालना है तो आपको उसको पाउंड से ही निकालना पड़ेगा। पाउंड में बात करते हैं, 1 pound इज इक्वल टू 16 औंस है, एवोयर सिस्टम 1 pound इज इक्वल टू 7000 ग्रेन्स होते हैं, और 1 oz इक्वल टू 437.5 ग्रेन होते हैं आपके, 437.5 आपके ग्रेन होते हैं। 1 pound में 16 oz होते हैं, 1 pound में 7000 ग्रेन होती है, और 1 oz में 437.5 ग्रेन। अब आ जाओ एपोथिकेरी, इन दिस सिस्टम ग्रेन इज द स्टैंडर्ड यूनिट, मींस जो आपका एवरेडी फॉरेस्ट था उसमें पाउंड थी, और ये जो आपका एपोथिकेरी सिस्टम है इसमें आपकी स्टैंडर्ड यूनिट है ग्रेन, और अलग वे अदर वेट ग्रेन से ही डिवाइड किया जाता है। जैसे 20 ग्रेन इज इक्वल टू 1 drachm, 60 ग्रेन इज इक्वल टू 1 drachm, और 480 ग्रेन इज इक्वल टू 1 oz, और 8 drachm इज इक्वल टू 1 oz, और 12 oz इज इक्वल टू 1 pound, और 57, 60 या 5760 ग्रेन इज इक्वल टू 1 pound, 20 ग्रेन 1 drachm, 60 ग्रेन 1 drachm, 480 ग्रेन 1 oz, 8 drachm 1 oz, 12 oz 1 pound, 5760 ग्रेन 1 pound। अब आ जाओ डिफरेंस बिटवीन टू सिस्टम, दो सिस्टमों में क्या है। 1 pound एवरेडी बॉयस इज इक्वल टू 7000 ग्रेन एंड एज इट रिलेटेड एज पाउंड, 1 pound एपोथी ग्रेन 5760 ग्रेन एंड इज एब्रीवेटेड एज पाउंड एपोथी, 1 oz एवरेडी को 437.5 ग्रेन एंड इज एब्रीवेटेड एज ओसे, 1 oz एपोथी ग्रेन 480 ग्रेन। तो 1 pound एवरेडी कॉइन्स में है 7000 ग्रेन एब्रीवेटेड एज पाउंड, और 1 pound एपोथिकरेसी में है 5760 ग्रेन एंड इज एब्रीवेटेड एज पाउंड, 1 oz एवरेडी कॉइन्स 437.5 ग्रेन, 1 oz एपोथिकरेसी में है 480 ग्रेन। मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी इन एम्पेरियन सिस्टम, the standard unit for capacity is the same in both everyday voice or apothe, means dono system mein aapki unit capacity ki same hai gallon, gallon is the standard unit aur other unit isi se derive karte hain, 1/4 of gallon is equal to 1 quart aur 1/2 quart is equal to 1 pint aur 1/20 of pint is equal to 1 fl oz, और 1/8 ऑफ फ्लूइड औंस इज इक्वल टू 1 fl drachm, और 1/60 ऑफ फ्लूइड drachm इज इक्वल टू 1 minim, दैट्स 1 gallon जेल इज इक्वल टू 4 quarts, 8 pt, 160 फ्लोस, 1280 fl, dr है आपका 76800 मिनिम। तो इसमें 1/4 ऑफ गैलन कितना है 1 quarter, 1/2 quart 1 pint, और 1/20 ऑफ pint 1 fl oz, 1/8 ऑफ फ्लूइड ऑंस 1 fl drachm, और 1/60 ऑफ फ्लूइड drachm 1 minim, दस 1 gallon इज इक्वल टू 4 quarts, 8 pt, 1/60 fl oz, 1280 fl dr, और 7680। अब दी मैट्रिक सिस्टम, दी मैट्रिक सिस्टम और द डेसिमल सिस्टम ऑफ वेट और मेजर इज पार्ट ऑफ मच लार्ज सिस्टम, इसमें क्या है ये इंटरनेशनल यूनिट है SI आती है, ग्राम एंड लीटर क्या है स्टैंडर्ड यूनिट है, वेट की और कैपेसिटी की एज
अदर मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स के जो डिराइव्ड होते हैं आपके, वो 10 के मल्टीप्लिकेशन में डिराइव्ड किया जाता है। मेट्रिक सिस्टम को डेसिमल सिस्टम ऑफ वेट और मेजर भी कहते हैं, और ये इंटरनेशनल सिस्टम है, SI यूनिट है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम है। ग्राम एंड लीटर इसकी यूनिट है, स्टैंडर्ड वेट की ग्राम है, कैपेसिटी की लीटर है, और इसमें अदर यूनिट को 10 के मल्टीप्लिकेशन से। अब कुछ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल है, उनके कुछ प्रीफिक्स है और सिंबल है। जैसे एक्सा है, एक्सा है 10.18, बीटा 10 की पावर, सॉरी, बीटा है 10^15, टेरा है 10^12, गीगा है 10^9, मेगा है 10^6, किलो है 10^3, हेक्टा है 10^2, डेका है 10^1, डेसी है 10^-1, सेंटी है 10^-2, मिली है 10^-9, माइक्रो है 10^-6, नैनो है 10^9, पीको है 10^-12, फेमटो है 10^-15, एटो है 10^-. इंटर कन्वर्जन ऑफ इंपेरियल एंड मैट्रिक सिस्टम वेट मेजर। 1 ग्राम इज इक्वल टू 15.43 ग्रेन या 0.032 औंस और 0.035 औंस। 1 kg इक्वल टू 2.20 पाउंड। 1 ग्रेन इज इक्वल टू 64.78 मिलीग्राम। 1 औंस FOC 31.10 ग्राम। 1 औंस एवोवियर इज इक्वल टू 28.35 ग्राम। 1 पाउंड एवोवियर इज इक्वल टू 453.59 ग्राम। जैसे 1 ग्राम का क्या है, 15.43 ग्रेन या 0.032 औंस, 0.035 औंस। 1 kg 2.20 पाउंड। 1 ग्रेन 64.78 मिलीग्राम। 1 औंस 31.10 ग्राम। 1 औंस 28.35 ग्राम। 1 पाउंड 453.59 ग्राम। कैपेसिटी में बात करते हैं, कैपेसिटी में जो 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 16.89 मिली, 1 लीटर इज इक्वल टू 35.19 फ्लूइड वॉल्स, 1.76 इंच, 0.22 गैलन। 1 मिली इज इक्वल टू 0.06 मिलीलीटर। 1 फ्लूइड ड्रेकअप इज इक्वल टू 3.55 मिलीलीटर। 1 फ्लूइड औंस मीन्स 28.41 मिलीलीटर। 1 पिंट इज इक्वल टू 568 मिलीलीटर। 1 गैलोन इज इक्वल टू 4.54 लीटर। 1 गैलोन इज इक्वल टू 3.78 लीटर या 0.832 गैलोन। डोमेस्टिक मेजर, 1 ड्रो इज इक्वल टू मैट्रिक 0.06 ml या 1 मिनिम होता है इंपेरियल। 1 टीस्पून इसमें होता है 4 ml मैट्रिक में, एम्पेरियल में होता है 1 फ्लूइड ड्रेक। 1 टेस्ट स्पूनफुल है आपका 8 ml, इंपेरियल में होता है आपका 2 फ्लूइड ड्रेक। 1 टेबल स्पूनफुल मैट्रिक में होता है 15 ml, एम्पेरियल में होता है 4 फ्लूइड ड्रेक। 2 टेबल स्पूनफुल मैट्रिक में है 30 ml, एम्पेरियल में है 1 फ्लूइड औंस। 1 वाइन ग्लास मैट्रिक में है 60 ml या 2 फ्लूइड औंस। 1 टीस्पून कप फुल 120 ml और उधर है आपका 4 फ्लूइड औंस। 1 टम्बलर फुल 240 ml 8 फ्लूइड औंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मैट्रिक में कितना मेजरमेंट है और आपका डोमेस्टिक। थैंक यू वेरी मच। ये सब है ऑल ऑफ अबाउट आपका एम्पेरियल सिस्टम।